ये करने माता का मंदिर भाई बहुत आ रही मंदिर। तो भाई ये ब्लॉग का दूसरा दिन और टाइम हो गया भाई एक, और रात को अशोक भाई के घर पे रुके थे सारे। मैं बताओ कहाँ जा रहे थे? ऐसे आप देखो दिल्ली से थोड़े लेट ही चले थे तो रात को यहाँ आ गए थे हम फतेहपुर, हमारे गांव के पास ही पड़ता है। तो हमने सोचा इतनी दूर चल के आए थोड़ा रेस्ट हो जाएगा और दीदी के यहाँ रह गए। रेस्ट तो हो गया लेकिन घर भी पास में और भाई का भी पास में, तो यहाँ पे अच्छा रेस्ट हो गया। उठे नहाए धोए फिर दोबारा खाना बनाया, पैकिंग कर लिया, जो हल्का फुल्का खा लिया थोड़ा पैकिंग कर लिया और शाम को खाएंगे। अब यहाँ से सालासर से जाएंगे हम देशनोक, जो हमारे समाज में बोलते करनी माता चुनी वाली माता। टाइम देख सकते हो सवा एक हो गया है, मतलब साहित बहुत लेट हो गया। साहित आपका देखा भी होगा, देशनोक बोलते हैं करनी माता, बहुत अच्छा धाम है वहाँ, चूहे वाली माता उसे बोलते हैं। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ जाने के बाद बीकानेर हो सकता है शायद हमें वहाँ रात हो जाए, पहुँचते पहुँचते नाइट हमारी आज शायद बीकानेर ही है। और मजा आ रहा है गाड़ी वाड़ी चलाने में? देखो बढ़िया एंजॉय हो रहा, चार गाड़ी हमारे साथ बढ़िया आराम से चल रहे हैं, लेकिन हमारा जो विजय भांजा ना वो थोड़ी गाड़ी रफ चलाता है। अच्छा। तो उसको मैंने काफी बार समझाया यार आराम से चला ले, सही बात, गाड़ी आराम से चलानी। आप आगे जाओगे तो भी हम आपको कहेंगे तो वहाँ 10-15-20 मिनट वेट तो करना, वेट तो करना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी सारी साथ है। हाँ फायदा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा एंजॉय आ रहा, बढ़िया मजा आ रहा है, फैमिली को भी अच्छा लग रहा, जो बच्चे है फैमिली अच्छा लग रहा सबको, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से दर्शन करके जैसे दिल्ली से है आराम से सुख शांति से दर्शन करके सब जगह घूम के आराम से दिल्ली पहुंच जाए। और भाई आपको मैं बताना चाहूँगा अब यहाँ से हम जाएंगे सीधे सालासर, सालासर से जाएंगे फिर देशनोक, सालासर से देशनोक जाएंगे और भागादौड़ नियम मतलब सब कुछ एक्सप्लोर करते चल रहे आराम से, वहाँ पे दर्शन करेंगे सालासर के अंदर, फिर वहाँ से सीधा देशनोक जाएंगे। तो भाई यहाँ पे हो रही है निकलने की तैयारी, यहाँ से सारे फतेहपुर से भाई सीधे सालासर सारे निकलने की तैयारी हो रही है। और भाई काफी लेट हो चुका है, एक यहीं बजा दी, सवा एक यहीं हो गया मेरे को। डिग्गी खुल गई, रवि चाचा का फुल टोरा रजनीगंधा वगैरह हमने खा लिया है, पीछे करे यार इधर कर, पहले ब्लॉक बन रहा, कोई नहीं कोई बैठ दो, खा लिया। अच्छा चलने की तैयारी है, अब सभी गाड़ियों के ड्राइवर बैठ रहे हैं और अपने अपने सवारी बिठा रहे हैं और सीधा सालासर, सालासर के खालो चलो, बैग नहीं आएगा भाई। छोटा रवि चाचा बाय बाय कर दे, कुछ कर दे बाय, कुछ कर दे, कहाँ जा रहे हो तुम घूमने, कहाँ जा रहे हो कहते बाबा के। तो भाई यहाँ पे आ चुके हैं सालासर धाम और यहाँ पे करेंगे दर्शन, और दर्शन करके यहाँ से जाएंगे भाई सीधे देशनोक। और एक गाड़ी और जुड़ने वाली है हमारे साथ, चार गाड़ियाँ है ऑलमोस्ट और एक और जुड़ने वाली है, तो पाँच गाड़ी हो जाएंगी हमारी। और यहाँ पे शायद नेता वगैरह आ रखा है, कौन क्यों कौन कौन से तेरी दुकान, वीडियो बनाएंगे हम, वीडियो सोच के आता है भाई। ये हम आ चुके हैं, ये हम आ चुके हैं, मतलब कहना का चाहते हो सालासर आ चुके हैं, सालासर नहीं पूरा नाम बताओ, सालासर धाम, सालासर धाम बालाजी का धाम, बढ़िया सालासर धाम, मतलब समझ जाते बंदे, इतना दिमाग है उनके पास, हमारी फैमिली। और थोड़े जोर से बोलो, सब आए हुए सालासर धाम, तुम सालासर, सालासर कैसे हो, कोई बात है क्या, मतलब धाम का नाम नहीं है क्या? तो भाई जब मंदिर के अंदर एंट्री कर चुके हैं और भीड़ तो बहुत है, मतलब भादवा चल रहा है और भीड़ काफी भीड़ है इसमें, मंदिर के अंदर काफी भीड़ है, नीचे कर लो यहाँ पे। तो हो गए भाई हमारे दर्शन, तो कैसे दर्शन हो रहे हैं, बढ़िया हुआ है, जिंदगी में इतने अच्छे प्यारे दर्शन नहीं करे जो आज बालाजी के, मुझे हनुमान जी के इतने प्यारे दर्शन, मतलब ये पहले भाई हल्के मन पे आते, मन से नहीं आते, नहीं आते दिल से, अच्छे दर्शन इतने साल ये दिल से कभी आए ही नहीं, ये हमारा दिल से आए थे, इनको दिल का दर्शन मिल गया।
है। मैं परिन नोट करूं तो भाई यहाँ से निकल चुके हैं नोखा से, और हमारे यहाँ से देश रोक है 19-20 किलोमीटर शायद। और भाई फतेहपुर से लेकर यहाँ पर नॉन स्टॉप गाड़ी मैंने चलाई है सब भाई के, तो बस पीने का रहा, नींद आ रही भाई मेरे को। और भाई मज़ा आ रहा है भगवानों के पास जाएंगे तो ये बात भी है भाई। अपने रवि चाचा भी आ चुके हैं और ये भाई हमसे पीछे चल रहे हैं, दोनों गाड़ियां वो दोनों गाड़ियां साथ चल रही है बिल्कुल। और ये पता नहीं भाई कौन सी को किस तरह गाड़ी चला रहे हैं, ये कह रहे मैं ब्रेजर के चक्कर में पीछे रह रहा हूँ। और भाई ये गाड़ी और जुड़ चुकी है हमारे साथ मैगनाइट, तो पिंटू भाई और लेके आ रहे हैं, पिंटू भाई और बिट्टू भाई। तो देश में कितना दूर है जीजा? 19 किलोमीटर यहाँ से। 19 किलोमीटर तो कितनी देर में पहुँच जाएंगे? 20 मिनट लास्ट, 20-25 मिनट पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे भाई भाई और थोड़े फ्रेश व्रेश हो रहे हैं, चाय पानी वगैरह पी रहे हैं, और दो गाड़ी पीछे रह गए हमारी, उनका वेट कर रहे हैं भाई। थोड़ा हमने सोचा वेट भी कर लेते हैं, उतने में वो भी आ जाएंगे और हम भी फ्रेश हो जाएंगे। समीर और भाई अपने साथ ये मैगनेट जुड़ चुकी है, पिंटू भाई वाली, पिंटू भाई भी आ चुके हैं। क्या लिया है तूने ये? तो साफ तो इसे तौलिया सी हो जाता जो तूने लटका रखा है। क्या करेगा इतना बड़ेगा भाई, हद है यार, दिमाग देख लो भाई, शीशा साफ करने के लिए इतना बड़ा लिया, देखो ये बेटे मौज कर दी। ये दिमाग से पैदल है थोड़े हमारा भाई है, हो ना भाई। तो भाई हमारे ग्रुप में हो चुकी है सारी 5 गाड़ियां, 4 पहले थी, एक मैग्नेट जुड़ चुकी है भाई। हाँ भाई यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है, फुल फायदा उठाया जा रहा है स्कॉर्पियो का। ओए होए ओए होए क्या बात है। भाई रास्ता किसी को मालूम नहीं है, सारी गाड़ी लाइन में लग गई भाई, चलो लोग से चलो। देश नोक और अपनी 5 गाड़ी आ चुकी है भाई फुल तोरे के साथ। कहाँ पे आ गए भाई? करनी माता देश नोक, करनी माता भाई यहाँ की बहुत मान्यता है, बहुत मान्यता भाई आपके लग जाएगी, इधर आ जाओ आप। यहाँ की बहुत मान्यता है भाई, यहाँ पे अंदर छुए हैं अच्छा गणेश भगवान के,
तो यहाँ पे ले लिया भाई प्रसाद करने वाला मंदिर का। और ये हमारी पिंकी दीदी भाई, ये है बड़े लोग, ये कह रहे मेरे को व्लॉग में मत लेना। कौन कह रहे हैं? ये व्लॉग में नहीं आते भाई, जो कह रहे हो अरे करे व्लॉग में नहीं आते ये। ये कह रहे पहले अकाउंट मोनेटाइज करा के वो फिर आएंगे व्लॉग में। बताओ ये कौन सा है यार? तो ये भाई आगे मंदिर करनी माता के मंदिर देशमुख। और यहाँ पे भाई ये रूल है, यहाँ पे चूहों की बहुत मान्यता है। अगर चूहा आपके पैर के नीचे आके दब के अगर मर जाता है तो वो चांदी का चढ़ाना पड़ता है। ये रियल बात है भाई? भाई रियल एकदम, चांदी का चूहा चढ़ाना पड़ता है। तो ये भाई क्या लिखा हुआ है कैप्चर में? हाँ कोई नहीं, दे देंगे। पूरी अपने बंद हो गई है भाई, पूरी देखो कितने बंदे हैं। भाई देख सकते हो आप, देखो कैसे ऐसे ही घूमते भाई यहाँ पे चूहे। भाई ये तो कुछ भी नहीं, अंदर बहुत सारे हैं। वो तो भाई अंदर तो बहुत, मतलब पाँव भी देख देख के रखने पड़ते हैं। देखो यहाँ पे चूहे कितने हैं, यहाँ पे चूहे की बहुत मान्यता है। और यहाँ पे इनको, यहाँ पे क्या कहते हैं इनको, चने और नीचे बाजरा भाई भाई यहाँ पे डालेंगे वो। तो यहाँ पे हमारे रवि चाचा देख रहे हैं व्हाइट चूहा। यहाँ पे ऐसा माना जाता है जिसको व्हाइट चूहा दिखता है उसकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, लेकिन इन्होंने बहुत कोशिश कर ली, इनको नहीं दिखा व्हाइट चूहा। दिख गया, दिखा भाई? रियल बात है, रियल बात है ना। इन्होंने बहुत कोशिश कर ली लेकिन नहीं दिख रहा मुझे। भाई हम करनी माता के आगे दर्शन कर लिए। और भाई आपको व्हाइट चूहा दिख गया क्या? नहीं व्हाइट नहीं दिखा। तुम्हारी किस्मत नहीं है, तुम्हारी किस्मत नहीं है। वो बात भी सही, लेकिन यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जिसको व्हाइट चूहा दिखता है उसकी बहुत अच्छी किस्मत होती है। तो यहाँ पे चल रहा भाई सबका फोटो शूट करनी माता मंदिर के बाहर। और बहुत अच्छा व्यू है, तुम्हें व्यू दिखाता हूँ पूरा, रुको एक मिनट। हो गया दर्शन? बिल्कुल अच्छा दर्शन, एकदम बढ़िया दर्शन हुए ना, बढ़िया दर्शन एकदम। और व्यू देखो तुम कितना अच्छा रहा है। यहाँ से फोटो ली क्लिक और यहाँ बन रहे भाई वीडियो व्लॉग। ये करनी माता का मंदिर भाई, इतने बंदे देखो, अभी तो और बंदे हैं, अभी तो आए नहीं है फोटो के अंदर, बहुत बंदे हैं। ना आज कोई है ना कल कोई है, तेरे यार का ना कोई कंपटीशन नहीं। ओ मेरी जान ना हो परेशान, झूठ बोलने का कोई रीजन नहीं। ना आज कोई है ना कल कोई है, तेरे यार का ना कोई कंपटीशन नहीं। तो भाई ये ले लिया होटल, बीकानेर के अंदर होटल लिया ये। और हमने 7 रूम लिए सारे ने, 5 गाड़ियों के बंदों ने 7 रूम लिए।
अभी रूम को करते हैं भाई चेक इन। क्या हो गया? तो भाई होटल के अंदर आ चुके हैं और हमने पांच रूम लिए शायद, एक तो ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला। और आपको भाई अभी रूम दिखाऊंगा, अंदर से रूम चेक करवाऊंगा कैसे रूम है। बाकी भाई रूम में एक नंबर रूम मिला है और बढ़िया प्राइस के अंदर दिखाता हूँ। अब क्या है ये ऐसे कुछ रूम है। ये हमारी चाची बैठी दवाई ले रही है, इनकी हालत होगी खराब भाई रास्ते के अंदर। तो भाई आपको रूम टूर देता हूँ मैं एक बार। ऐसा कुछ अपना रूम है, सही है मतलब। ये लग रहा टीवी और ये शीशा, इसके बिना रूम अधूरा है तुम्हें पता ही है। और वॉशरूम चेक कर लेते एक बार, वॉशरूम भी सही है। ये कुछ अपना वॉशरूम है, मतलब साफ है, सही है।